इतिहास को कैसे संजो कर रखा जा सकता है, इतिहास को आने वाली पीढ़ियां कैसे जान पाएंगी, तो इसका सबसे अच्छा जवाब किताबें हो सकता है। लेकिन सिर्फ किताबों को लिखना या पढ़ना नहीं, बल्कि उन किताबों, इतिहास से जुड़े उन दस्तावेजों को संभाल कर रखना, तभी तो आने वाली पीढ़ी को बीते कल, आज के बारे में, आने वाले कल में पता चल सकेगा। और ये काम मौलाना नूरुल हसन राशिद कांधलवी जुनून और जज्बे के साथ कर रहे हैं। उनकी अपनी निजी लाइब्रेरी है, जिसमें किताबों और अखबारों का खजाना है। 25,000 से ज्यादा किताबें हैं और इससे भी ज्यादा संख्या में अखबार हैं। किताबों, अखबारों और तमाम दस्तावेजों को देखने और जानकारी लेने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों से उनके पास लोग आते हैं। दुनिया की तमाम किताबों में जिक्र मिल जाएगा कि फला जानकारी जो किताब में है वो मौलाना नूरुल हसन राशिद कांधलवी की निजी लाइब्रेरी से मिली है। वैसे तो मौलाना राशिद कांधलवी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। मौलाना नूरुल हसन राशिद विश्वविख्यात मुस्लिम धर्म गुरु हजरत इफ्तिखारुल हसन के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कस्बे कांधला में रहते हैं। उनके पास जो किताबें हैं वो उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषाओं में हैं और 800 साल से ज्यादा पुरानी किताबें उनके पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया से जो लोग उनके पास आते हैं वो यूं ही नहीं आते हैं। पुष्टि तो नहीं है, लेकिन माना यही जाता है कि निजी लाइब्रेरी में इतनी किताबें और अखबार शायद ही किसी और के पास हो। वह खुद भी 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। खैर, हमें मौका मिला तो हमने मौलाना राशिद से बात की। वीडियो बनाने के दौरान रोशनी की समस्या हमारी तरफ से जरूर थी, लेकिन फिर भी सुनिए, किताबों का खजाना जुटाने में पूरी उम्र लगाने वाले और अब तक पूरी तरह समर्पित अपने काम से दुनिया में विख्यात मौलाना नूरुल हसन राशिद कांधलवी ने क्या कुछ कहा। मौलाना जी, आपके पास किताबों का कीमती खजाना है, ये आप इतिहास को संजोने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये काम आप कब से, किस उम्र से कर रहे हैं? जनाब वाली बात यह है कि अगर आप उम्र की बात कीजिए, हमें तो ये बहुत बचपन से शौक, जब हम बहुत छोटे थे और मदरसे में पढ़ते थे उस वक्त से काम कर रहे हैं। और हमें जो किताब, जो अखबार, जो रिसाला, जो चीज़ मिलती थी, मैगजीन, हम उसे उठा के रखते थे। और उस ज़माने में तो बहुत काम किया करते थे, अगर फटा हुआ है तो उसकी मरम्मत करते थे, उसमें चेपियाँ लगाते थे, उसकी सिलाई करते थे और सारे काम किया करते थे। तो उसी वक्त से काम हम कर रहे हैं और अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बहुत सारा बड़ा कलेक्शन हो गया है। लगभग कितनी किताबें आपके पास इस वक्त उपलब्ध हैं? हमारे अंदाजे में कम से कम 25,000 तो होगी। 25,000 तो यह है बुक, जो प्रिंटेड बुक्स हैं। और इसमें भी जो हिंदुस्तान में सबसे पहले किताबें छपी 1800 में, वो भी हमारे पास है। हिंदुस्तान में 1790 के करीब प्रेस आया था और सन 1800 में कलकत्ते में, हुगली में किताबें छपनी शुरू हुई थी। तो उस वक्त की जो छपी हुई किताबें हैं वो भी हमारे पास हैं। और दूसरी बात, हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन अखबारात का है, मैगजीन का है, रिसालों का है, वो भी मेरे अंदाजे में 34-37 अलमारियाँ हैं। और हमने आपको बताया था कि सबसे पुराना तो आपका अखबार है सफ़ीर बुढ़ाना, जो 1877 का है। 1877 से और 1900 तक के बहुत हमारे पास रिसाले भी हैं, अखबार भी हैं और एक बड़ा कलेक्शन है। और जो मैनुस्क्रिप्ट होते हैं, जो हाथ की लिखी हुई किताबें हैं, वो भी करीब करीब 1800 हैं। और हमारे पास जो सबसे पुरानी किताब है वो 800 साल पुरानी है। उस किताब का नाम क्या है जो सबसे पुरानी किताब? वो आपके समझ में नहीं आएगी। अच्छा। हमारे यहाँ जो एक इल्म है हदीस शरीफ का, उसमें जिन लोगों के नाम आते हैं वो उन पर है, जो रिजाल कहते हैं अरबी में, रिजाल का इल्म है वो उस पर है। वो
सबसे पुरानी किताब हमारे अब मौजूद है। तो आपके पास जो किताबें हैं वो किन किन भाषाओं में है जो अभी तक? हमारे पास तो उर्दू में, अरबी में, फारसी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, इन भाषाओं में ज्यादातर है और सारे सब्जेक्ट है। उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें शायरी भी है और उसमें यहाँ के सब लोग भी हैं, वो सब पर है। आपने भी करीब 100 किताबें अब तक जो मुझे पता चला लिख चुके हैं करीबन? नहीं, 100 तो ये बात तो ठीक रही है जी। मेरी अब तक 25-26 किताबें छपी है जी और 8-10 कंपोज होकर रखी है पहले, और उम्मीद है कि अगर रहे तो 60-70 हो जाएगी जी। तो आपने किन मुद्दों पर आप लिखते हैं? मैं ज्यादातर तो इसी इलाके पर लिखता हूँ। अच्छा है। यानी एक तो यहाँ की हिस्ट्री है और एक यहाँ के वो लोग हैं जिनकी वजह से इस इलाके को इज्जत हुई जी, जिनकी वजह से इस इलाके का दुनिया में नाम है, उसकी इज्जत है, उस पर मैं ज्यादा लिखता हूँ। तो क्या संदेश आप आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे? मेरे भाई दो बातें हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाले नस्ल है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, वो जाने कुछ, तो हमें आज से उनके साथ लगना होगा, उनको अपने साथ लगाना पड़ेगा जी। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पे लगाइए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें बताइए कि हम कौन थे, और जब आप आज नहीं बताएंगे तो कल वो कैसे जान लेंगे जी। जी। और बड़ी बात आज के बड़े दुख की जो है वो ये कि हमारे यहाँ पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया। पहले हर जगह बड़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरी होती थी और उसमें दो बातें रही थी, ना तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई फर्क था। मुसलमान हिंदुओं की लाइब्रेरी में जाते थे, हिंदू मुसलमानों की लाइब्रेरी में आते थे और फर्क होता था। दूसरे उसमें उर्दू का या फारसी का उर्दू का चलन तो बहुत था, अब तक था 70 तक रहा उर्दू का चलन जी। सब लोग पुराने आप देखते होंगे, अब भी जो आपके यहाँ पुराने लोग होंगे वो बहुत सारे उर्दू जानते हैं, हमारे यहाँ भी जानते हैं, लेकिन 70 के बाद फिर ये खत्म हो गया और अब तो कुछ भी नहीं है। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हिंदुस्तान में पिछले 125 साल में जो किताबें लिखी गई हैं वो या तो उर्दू में है और या तो अंग्रेजी में। बिल्कुल। इसलिए अगर हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे, हम उनसे अपना ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, तो हमें जानकारी कहाँ से होगी, कौन देगा? और ये कोई फिल्म नहीं है कि आपने फिल्म बना दी और उसे डाल देंगे जी। फिल्म की जो जानकारी होती है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती। सही। और बहुत देर तक लोग उसको याद भी नहीं रखते। हिस्ट्री जो होती है वो अपनी जगह रहती है, वो कहीं आगे पीछे नहीं होती। फिल्मों में तो लिखा भी रहता है कि ये कहानी काल्पनिक है। बिल्कुल। तो आपकी कोई हुकूमत से कोई मांग हो, आप चाहते हो कि इस दिशा में कोई हुकूमत की तरफ से कोई? देखिए आज भी कमाल की बात है भाई, मेरे हुकूमत के जो अपने करने के काम है वो तो वही नहीं कर रही, हम उसके जिम्मे नए काम क्यों कर ले। हुकूमत का तो करने का काम ये था ना, कोई जगह जगह लाइब्रेरी होती जी, अच्छे पाठशाला होते जी, सब तरह की किताबें होती, लोगों से कहा जाता कि भाई यहाँ जाओ हम आपको, लेकिन आप जाके देख लीजिए जो विश्वविद्यालय लाइब्रेरी थी सब खत्म हो गई, आपके यहाँ बुढ़ाने में थी, कराने में थी, कहाँ है? कहीं नहीं। और इसी तरह जो आपके पुराने कॉलेज हैं सब में बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी थी, वो भी सब खत्म हो गई, अब नहीं है। हाँ, तो उसी वजह यह है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया जी। जरूरत इस बात की है कि जो हमारी नस्ल है जीते वाली, ये दोबारा पढ़ने की तरफ आए, हम इसे किताब पढ़ने आए जी। जब तक ये किताब से दोस्ती नहीं करेगी तो उसे क्या पता चलेगा और कैसे करके किसी को कुछ बता देंगे। अभी जो आपकी जो किताबों का खजाना है वो कई जगहों पे रखा हुआ है जैसे मुझे पता चला है, तो वो एक छत के नीचे रहे, उसके लिए क्या प्रयास किए जाए? दो बातें हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ा बजट चाहिए, प्लानिंग तो हम कर रहे हैं, कोशिश हम कर रहे हैं, जहाँ तक हमारे बस की बात है हम करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि लोग उनसे फायदा उठाएं। सही। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि सब मेरे ऊपर बैठा रहूँ और किसी को जो है उससे फायदा उठाएं, और जब लाइब्रेरी होगी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया भर से यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत किताबें ऐसी हैं जी, रेयर बुक्स ऐसी हैं
कि वो हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, न देवबंद में, न सहारनपुर में, न कहीं और। तो इसलिए बहुत लोग यहाँ आते हैं जी। हमारे यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं जी, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से और अरब मुल्कों से, अफ्रीका से सब आते हैं। हमारे लायक जो काम होता है हम उनकी जो सेवा कर सकते हैं वो करते हैं। और आपको बता दें अब तक तकरीबन 70 किताबें, 70 उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी में छप चुकी है जी, जिसमें इस बात की बात को लिखा गया है कि हम इस काम के लिए कांधले गए थे जी। और कांधले से फरा जगह से हमें इसी हालांकि किसी को इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी देखिए ये किताब ऑक्सफोर्ड से छपी है, ये रखी है, ये हार्वर्ड से, अमेरिका से छपी है, इसमें भी ये बात लिखी है कि हम कांधले गए थे, वहाँ से हमें जानकारी मिली। तो इस तरह बहुत किताबें छपती रहती है। अच्छा, किताबों के खजाना जो इकट्ठा करने के लिए आपको कहाँ कहाँ की यात्राएं करनी पड़ी? ये तो पूछी मती तो लंबी, हम यात्रा करते रहे, अब भी करते रहते हैं। इसके लिए हम दो दो किताबों के लिए 20-20 दिन पैदल चले, जब जाके हुआ थे काम, कुछ बहुत आसान नहीं है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप गए होंगे, बहुत प्रयास किए होंगे, लेकिन जिनके पास किताब होगी उन्होंने मना कर दिया होगा। बिल्कुल ठीक है, आप बाहर की बात क्यों करें, हम यहाँ कांजली की करते हैं, यहाँ कांजली में कितने लोगों के पास किताब। अभी अभी बिल्कुल ताजी बात बताए, हमारे एक मिलने वाले ऐसे भी 2 महीने हुए होंगे, उन्होंने कहा कि एक साहब के पास 150 हाथ की लिखी हुई किताबें थी मनुष्य। हमने उनसे बहुत कहा कि आप हमें दे दी, उन्होंने दी नहीं। हमने कहा पैसे लेने के नहीं, पैसे चाहिए, तो घर के हम दे रहे गिर चलो, बहुत दिन के पीछे ले गए रहे, मगर वो दी गई। अब वो मर गए उनकी डेथ हो गई जी। मैं सब घूम भर गए, फिर बहुत दिन के बाद, 1-1.5 साल बाद याद आया, तो हम दोबारा फिर उनके घर गए, उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि वो अब आए हो, वो सारी किताबें तो हमने कुएं में डलवा दी, क्या हमने कुएं में उतरने वाले तलाश किए? उन्होंने 3-3 हजार रुपए लिए, मगर कुएं में से उतर के निकल के वो सारी किताबें निकालना है। तो ऐसा भी होता है हमारे साथ, कांधले में भी हुआ कि लोगों से बहुत कहा पैसे ले लो, कि नहीं हम तुमको जलाएंगे, तुम्हारे से क्या होगा, आपको नहीं देंगे, मतलब देंगे नहीं, या कुछ ही करना हो, किसी को तो फायदा नहीं होना चाहिए। तो ये है जरा भाई, तो इस तरह कोई कोई ऐसा होता है कि कोई खुदा का बंदा खुद दे जाता है, और ऐसा भी होता है कि बहुत कहते हैं पैसे भी देते हैं, देने को तैयार नहीं होते जी। तो भले अब जिला अलग हो गया, पहले तो मुजफ्फरनगर ही, इतिहास की दृष्टि तो बहुत समृद्ध जिला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं अनदेखी रही होगी कि भाई ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाए बातें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखिए एक बात अलग है, जहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया की बात है, मुस्लिम वर्ल्ड की बात है, ये जो यहाँ की जगह है, कांगड़ा है, कैराना है, खानाबोर है, इनको सारी दुनिया जानती है जी, पूरी दुनिया जानती है, सब दुनिया से लोग देखने आते हैं, जैसे कोई लाल किले को देखने आता है, इस तरह कांगड़े को इसको देखने आते हैं और आते ही रहते हैं जी। और कांगड़े पर ये खानाबोर या कैराना पर सारी दुनिया में बहुत काम होता है जी जी। वो जो पुराने लोग एक बात कहते हैं वो कुदरती है जी, ठीक है, चिराग से तो देना हमेशा होता ही है जी जी। तो यहाँ के लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आते रहते हैं, और हमने वो भी सब किताबें जमा की हैं जो कांगड़े के लोगों पर, ये थाने भर के या जिला मुजफ्फरनगर के किसी उस पर लिखी गई बहुत किताबें हैं, लेकिन ऐसा हुई कि हमारे पास कुछ जगह नहीं है जहाँ उनको रखे। जब वो जगह का सही इंतजाम हो जाएगा, जो हमारा मनसूबा है, प्लान है, वो हो जाएगा जी, फिर आप सबको देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा जी, ये मुजफ्फरनगर और ये शामली और यहाँ की सब चीजें ये क्या थी। नहीं, बात वही है ना कि हम लोग भी शायद जानना नहीं चाहते,
अब मैं आपको बताऊं कि मैंने भी एक काम किया कर रहा हूं। ये 1857 में थाने भोज में शामली में हमारे इलाके में सब जगह बुढ़ाने में बहुत ज्यादा अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी जी। आज तक किसी ने सर कुछ नहीं लिखा और जो लिखा वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं ऑथेंटिक नहीं है, वातावरण नहीं है। मुझे लेने तो भी यदि मैंने काम किया है तो आजकल उसकी अब कंपोजिंग हो रही है और मेरा अंदाजा है कि वो 2 वॉल्यूम में किताब आएगी 2 जिल्दों में जी और अंदाजा 700-800 रुपये की होगी। जी जी। किसने किसने हिस्सा लिया, किसको सजा हुई, किसको फांसी हुई, किसको काले पानी भेजा गया और पता नहीं क्या क्या होता था। वो तो हम तो आप तो इसको न सुन सकते सही और न बर्दाश्त कर सकते। तख्तों के बीच में रखे आदमी को भी चीर दिया जाता था दो तोप के मुंह पर बात कर बारूद से उगा देते। तो बहुत किस्से हुए हैं आपके यहाँ। ये है ना परासोली जी, वहाँ वहाँ के जो थे वो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और भी लोग बुढ़ाने के भी लोग शरीक। तो ये सब बातें जानकारी की है, जाननी चाहिए जी। मगर हमारे बाद वाली जो नस्ल है जी उनको तो किसी को दिलचस्पी नहीं रहेगी। अब वो दिलचस्पी आप लोग पैदा करें, उन्हें वो दिखाएं, उनके सामने रखें, वो उसके देखें तो हो सकता है कुछ लोगों में इसका शौक पैदा हो, वो आगे बढ़े और इस काम को करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया।